आत्मा के साथ रंजन अच्छी ये हम लोग पॉजिटिव में प्रगति मैदान में साहब यहाँ पे जो है कंपोनेंट ऑटो एक्सपो का मेला लगा था क्योंकि 12 तारीख से लेकर आज इस मेले का आखिरी दिन है। तो आज हम विजिटर्स से बात करते हैं, यहाँ आने वाले लोगों से बात करते हैं और उनका कैसा अनुभव था, वो क्या सोचकर इस मेले में आए थे और उसमें कितनी कामयाबी मिली, हमें सबसे संबंधित बातों को करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत स्वागत है। आप जब यहाँ आ रहे थे छुट्टी कर आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें ये देखेंगे कुछ चीज़ें जो आप बाहर अर्पित एक बात और कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी चर्चा काफ़ी हो रही है पॉल्यूशन और तो जो कंपनियां आई हुई थी उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ कितनी कंपनियां देखी है आपने, ये अच्छा काम पोस्ट ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रिक हब मोटर और डिफरेंट मशीन और काफ़ी इलेक्ट्रिक हेडलाइट वगैरह के बहुत सी कंपनियाँ आई हुई हैं और बहुत अच्छा। और किसी कंपनी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगा हुई है यूनिक कॉन्सेप्ट है और वो पसंद आया काफ़ी अच्छा वो था अपकमिंग फ्यूचर में जो LED लाइटिंग चाहिए उनको लेके काफ़ी अच्छा काफ़ी। और कुछ लोग हैं इनके साथ हमसे बात करते हैं, उनका नाम क्या है? अर्चित। अर्चित, तो अर्चित आप मुझे बताइए कि आप जब यहाँ आए और आपने सब देखा है आर्ट से के आसपास कंपनी, तो अगर हम बात करेंगे इस एक्सपो को लेकर इसकी कामयाबी कैसा लगा कि आप इससे पहले एक्सपो में अगर भाग ले रहे थे तो तब में और आपने क्या बदलाव किया? मतलब एक्सपो देख के फील हो रहा है कि हम एक ट्रांजिशन को गुजर रहे हैं, मतलब एक टाइम से जो मोटर व्हीकल से शिफ्ट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हर एक स्टॉल में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट था जहाँ पे हम ये चीज़ आराम से देख सकते हैं कि हम लोग का मोटर व्हीकल भी शिफ्ट होने वाला है। तो उस एक्सपो में उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि अब हम नेक्स्ट हमारे लिए स्टेप है वो मोटर व्हीकल की तरफ, इलेक्ट्रिक की थी, तो मेरे को बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया। हर एक स्टॉल पर इतना डिटेल्स वो था, मेरे को अच्छा लगा एक्सपो में विजिट करके, और ये फुलफिल हुआ मेरा, मतलब आने का जो पर्पज था तो अच्छे से फुलफिल हुआ, तो इतना ग्रेट विजिट फॉर। अर्चित एक क्वेश्चन और है कि जैसा आपने कोरोना का जिक्र किया तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद आप जिंदगी लगभग पटरी पर आई है, तो बहुत चीज़ें बदल गई, तो जब आप कोरोना के बाद यहाँ आए और इतने लोग फिर आए तो मतलब वो कैसा फील था, लगा कि चीज़ें ठीक हो रही है? ये तो फील हुआ कि चीज़ें ठीक हो रही है, दोबारा ट्रैक पर आ रही है, और बल्कि होना भी चाहिए। अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कोरोना को लेकर अंदर ये था कि सब ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए थे, बट इधर फील फ्री टू हो रहे थे, अब लोग हाथ भी मिला रहे और मिल भी रहे, गले भी मिल रहे, बट अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ दोबारा मिला रहे। इनके साथ हैं एक और नाम है दिनेश जी, तो दिनेश जी हैं और आप इससे पहले एक्सपो में आते थे, पहली बार इससे पहले भी आ रहे थे, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा ये पहले जब आप आए और अब की कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं ठीक है, अच्छा लगा बदलाव, ये कॉम्पोनेंट अलग हो गया, तीन बार चार घंटा लग गया जिससे भीड़ भी कम रहती है, और मैं गुजरात के लिए कॉम्पोनेंट पता चलता है क्या जरूरत है क्या नहीं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चार चार अलग वो घंटा में लगा ये बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी कम रहती है। चलिए दिनेश जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, अर्पित बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ रंजन अभिषेक, कैमरा सहयोगी नीलू, नई दिल्ली।